नमस्कार दोस्तों, बी टाउन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉन 3 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों डॉन पार्ट के यानी कि डॉन फ्रेंचाइजी के अब तक हमें 2 पार्ट देखने को मिल चुके हैं, डॉन और डॉन 2 मूवी। तो हम डॉन 3 मूवी की बात करें इससे पहले उनके आगे के 2 सीक्वल की ओर नज़र डाल देते हैं। उनका जो फर्स्ट सीक्वल आया था डॉन मूवी, जिससे डॉन फ्रेंचाइजी की स्टार्टिंग हुई, वो 2006 में आई थी 20 अक्टूबर को, और इस मूवी को फरहान अख्तर द्वारा डायरेक्ट किया गया था। और ये मूवी एक्शन और थ्रिलर से भरपूर थी और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था रितेश सिंधवानी ने। स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें शाहरुख खान सर, प्रियंका चोपड़ा, अर्जुन रामपाल, बमन ईरानी, ईशा कोप्पिकर जैसी बढ़िया स्टार कास्ट देखने को मिली थी। और इस डॉन फ्रेंचाइजी की फर्स्ट किस्त को 35 करोड़ के बजट पर बनाया था और ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ऊपर की कमाई करके ब्लॉकबस्टर रही थी। और इस मूवी में हमें शाहरुख खान सर डॉन विजय का किरदार करते हुए नजर आए थे और ये मूवी 1978 में डॉन का ही रीमेक रही थी। और इस फर्स्ट किस्त के सक्सेस के बाद मेकर्स फरहान अख्तर ने ही उनका दूसरा पार्ट रिलीज किया 23 दिसंबर 2011 को, और ये मूवी 2006 में आई, डॉन का ही दूसरा सिक्वल रही थी और डॉन फ्रेंचाइजी का दूसरा पार्ट। स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें शाहरुख खान सर, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, क्रोनल कपूर, बमन ईरानी और ओम पुरी जैसी बढ़िया स्टार कास्ट देखने को मिली थी हमें। वहीं इस मूवी में एक कैमियो रोल भी रहा था जो ऋतिक रोशन करते हुए नजर आए थे। इस मूवी को पहले हिंदी में रिलीज किया था और इसके बाद तेलुगु और तमिल में डब किया गया था। इस मूवी को 85 करोड़ के बजट पर बनाया था और ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ऊपर की कमाई करके ब्लॉकबस्टर रही थी। अब ऐसी ब्लॉकबस्टर दमदार मूवी का मेकर्स तीसरा सिक्वल बनाने जा रहे हैं और इस मूवी को भी डायरेक्शन फरहान अख्तर द्वारा दिया जाएगा और प्रोड्यूस करेंगे रितेश सिंधवानी। स्टार कास्ट की बात की जाए तो शाहरुख खान सर, दीपिका पादुकोण, विद्युत चंवर, बमन ईरानी, परेश रावल, अर्जुन रामपाल जैसी बढ़िया स्टार कास्ट हमें देखने को मिल सकती है। वहीं बजट की बात की जाए तो 100 करोड़ के बजट पर बनाया जाएगा और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ऊपर की कमाई कर सकती है ऐसा अंदाजा लगाया गया है। इस मूवी के अलावा शाहरुख खान सर अपने फैंस के लिए पठान मूवी भी लेकर आ रहे हैं, जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा डायरेक्ट है और इनके सोशल मीडिया पर काफ़ी जोरों शोरों से चर्चाएं चल रही है। और आप सभी को पता है 2018 से शाहरुख खान सर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में ब्रेक ले लिया था और ये ब्रेक के बाद 2 साल की वापसी के बाद उनकी पठान मूवी आ रही है और उनके साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर हमें दीपिका पादुकोण देखने को मिलेगी। वहीं उनके साथ कैमियो रोल में जॉन अब्राहम, ऋतिक रोशन, सलमान खान सर और डिंपल कापड़िया नजर आने वाली है। दोस्तों आप कौन सी मूवी का ज्यादा इंतजार करें, डॉन 3 या पठान मूवी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे।